पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के घमासान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और भी तीखी हो गई है। रविवार को मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को तो उनकी कांग्रेस पार्टी ही गंभीरता से नहीं लेती, तो फिर जनता कैसे लेगी। पीएम मोदी ने राहुल के भाषणों का मजाक बनाते हुए कहा कि राहुल जहां जाते हैं अपने जेब से मोबाइल निकालते हैं और कहते हैं कि ये मेड इन छिंदवाड़ा बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर, वो जहां जाते थे जेब में से मोबाइल फोन निकालते थे और जहां भी जाते थे मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड इन उज्जैन बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा, ये कहते थे कि नहीं कहते थे। भाई उनके चुनावी घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख है क्या ये उनका मेड इन मोबाइल का उनके घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख है क्या? जिस पार्टी के नेता के भाषण को उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल हर रैली में इस तरह के वादे करते हैं लेकिन अपने मैनिफेस्टो में उन्हें शामिल नहीं करते। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चित्रकूट और जबलपुर की रैलियों में इस तरह के वादे किए थे। पीएम मोदी ने बताया कि किस तरह से साल 2014 के बाद भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142वें नंबर से 77वें नंबर पर आ गया है।